गुड इवनिंग। आज अपन ने अभी तक अपन ने इस चैप्टर नंबर 13 क्लास 9th का जो है उसमें अपन ने क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन इसी सीरीज में पढ़ेंगे सिलेंडर। अगर आपको क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में जानना है और वो वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी उसको देख सकते हैं। आज अपन पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, इसको अपन हिंदी में कहते हैं बेलन। अब इसके एग्जांपल देखें अपन। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का मतलब इस तरह से शेप होता है। जैसे आपने पानी के पाइप, ड्रम्स वगैरह देखे होंगे, पानी के पाइप होते हैं, ड्रम्स होता है, उस तरह से ये सिलेंडर होता है। इसको राइट सर्कुलर क्यों कहते हैं, राइट सर्कुलर का मतलब होता है ये ऊपर और नीचे जो सर्कुलर पार्ट होता है वो सेम होता है, सेम रेडियस ऑफ, ठीक है ना, सेम एरिया का, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये ऊपर से बड़ा और ये नीचे से, ऊपर से छोटा और नीचे से बड़ा, इस तरह से नहीं। इसको तो अपन फ्रस्टम कहते हैं, लेकिन यहां पे ये राइट सर्कुलर यानी दोनों जो सर्कुलर पार्ट है वो इक्वल होते हैं। सिलेंडर में ये जो पोर्शन होता है, जो साइड वाला पोर्शन होता है ये, इसको अपन कहते हैं सीएसए। सीएसए का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हिंदी में इसको कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये सीएसए हो गया और ये द सर्कुलर पार्ट है, इन तीनों को मिला दें तो टोटल क्या बनता है, टीएसए। अगर मान लो ऊपर नीचे ढक्कन लगे हुए हैं, ठीक है ना, तो तब इसका टीएसए निकालेंगे। ऊपर दो ढक्कन का एरिया यानी ऊपर बॉटम और सरफेस का एरिया प्लस सीएसए इज इक्वल टू क्या बनेगा, टीएसए। अब सिलेंडर बनता कैसे, जैसे मान लो अपने पास ये बुक है, ये रेक्टेंगुलर बुक है, इस तरह की ये बुक है मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको यू फोल्ड कर दूंगा, फोल्ड करूंगा तो ये बन गया अपना सिलेंडर बन गया, ठीक है ना। तो सिलेंडर का ये जो पार्ट है, ठीक है ना, ये साइड वाला, इसको तो अपन कहते हैं सीएसए। और ऊपर नीचे यहां पे ये दो सर्कुलर पार्ट है, अगर ये ढके हुए होते तो इन दोनों का एरिया भी अपन काउंट करते। अभी ये जो सिलेंडर है वो होलो सिलेंडर है, होलो का मतलब यहाँ पे आर पार अपन देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो खाली है। तो सिलेंडर में कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसके कुछ फॉर्मूले बनेंगे। अब इसमें सबसे पहले सिलेंडर में क्या होता है कि यहां से ये जो होती है वो रेडियस कहलाती है, ठीक है ना। ये सर्कुलर पार्ट है, उसकी डायमीटर क्या होगी, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। और ये जो सिलेंडर है उसकी हाइट है ये, इस तरह से। अगर मान लो पाइप यू है, इस तरह से ये पाइप है, तो ये लेंथ है, तो जो पाइप की लेंथ होगी वही एच होगी, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलर पार्ट है उसकी ये जो है वो रेडियस है, ठीक है ना, सेंटर से लगाकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। तो इसमें पहला फॉर्मूला जो होता है वो सीएसए का होता है। सीएसए का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh, 2 × π × r × h। दूसरा होता है इसका टीएसए। टीएसए मैंने पहले वीडियो में भी बताया, टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सीएसए प्लस 2πr² इसका, देखो ये नीचे जो सर्कल है इसका एरिया πr², इसका भी होता है πr², तो πr² प्लस πr² 2πr² प्लस सीएसए। सीएसए यानी ये वाला पोर्शन जिसका फॉर्मूला ये है। अब इसमें वैल्यू रखते हैं अपन, सीएसए का फॉर्मूला क्या है, 2πrh प्लस 2πr², तो यहां पे देखो दोनों में 2πr कॉमन लिया, तो यहां पे h प्लस r, ये फॉर्मूला बन गया टीएसए का। तो इस तरह से अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट h प्लस r या r प्लस h। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन कि 2πr ब्रैकेट r प्लस h, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। वॉल्यूम का मतलब, जैसे अगर मान लो ऐसा सिलेंडर है अपने पास और पूछा जाए कि इसके अंदर अपन दूध भरेंगे या पानी भरेंगे तो कितना लीटर पानी आ सकता है, है ना। तब ऐसे क्वेश्चन में कितना पानी आएगा या कितना लीटर पानी आएगा, तो वहां पे अपन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पे पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 और क्या होती है 3.14
1/4 लेते हैं। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू अपन जनरली ये दोनों लेंगे। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर क्या होता है, यानी खोखला बेलन, ठीक है ना, जिसको अपन कहते हैं खोखला बेलन। अब होलो सिलेंडर में क्या होता है, जैसे ये सिलेंडर है, खोखला होता है यानी ऊपर नीचे बेस उसके नहीं होते, और मान लो उसके अंदर ये है इस तरह से। अब ये क्या है, ये मोटाई है, ठीक है ना, ये क्या है, मोटाई है। अब यहां पे ये मोटाई है, जैसे लकड़ी का बना हुआ मान लो, तो ये भरा हुआ पार्ट है, ये पूरा भरा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो अब यहां पे दो तरह से रेडियस होगी, एक तो अंदर सिलेंडर है उसकी रेडियस अगर अपन आर टू मानेंगे छोटी, और बाहर की रेडियस जो है, बाहर वाले जो सिलेंडर है उसकी रेडियस ये हो जाएगी, यहां से लगाकर यहां तक वो आर वन मानी, मीन्स आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, ठीक है ना। होलो सिलेंडर कैसे बनता है, जैसे अपने पास ये बुक है, तो बुक के अंदर ये मोटाई है, ठीक है ना, इसको कहते हैं अपन मोटाई। तो ये अंदर की रेडियस यहां से यहां तक होगी, बाहर की रेडियस यहां तक होगी, ठीक है ना। तो ये मोटाई जो है वही इसको मैंने डायग्राम में यहां पे बताया। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। इसका टीएसए का फॉर्मूला भी आता है, लेकिन वो अभी नाइन्थ में आपके नहीं है, वो टेंथ में है। यहाँ पे 13.2 का अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, द सीएसए ऑफ सिलेंडर ऑफ एच, एच का मतलब हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। मतलब ये 14 क्या है और 88 क्या है, देखो यहां से पढ़ो, द सीएसए ऑफ सिलेंडर, एक बेलन का सीएसए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ हाइट, यानी इस बेलन की हाइट जो है वो 14 है, तो यहाँ पे एच तो इसमें 14 दे रखी है, 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एरिया की। तो यहाँ पे ये 88 क्या है, सीएसए है। यहाँ पे आगे लिखा है द सीएसए ऑफ सिलेंडर इज 88, यानी ये दे रखा हमें कवर्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हमें सीएसए दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें इसमें फाइंड करना है डायमीटर। अब डायमीटर जानते हैं अपन, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 into r। रेडियस का क्या होता है, डबल होता है, तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, फिर उसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। और अपन रेडियस कैसे निकालेंगे, इसमें उल्टा है, सीएसए हमें पहले से दे रखा है, हाइट दे रखी है और डायमीटर निकालना। तो इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, यहां से लिखना आपको, बिकॉज सीएसए इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर गिवन। सीएसए के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो, सिलेंडर का सीएसए क्या होता है, 2πRh इज इक्वल टू 88 हो गया। अब इसके नीचे क्या करना है, फिर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, जैसे 2 का 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर हमें फाइंड करनी है, आर को आर लिखो, एच यहाँ पे 14, तो 14 का 14 इज इक्वल टू 88 लिखना है आप, ठीक है ना। यहाँ नीचे मैंने वैल्यू रख दी 2πr और h इज इक्वल टू 88। अब यहाँ पे सब इंटू में है, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक ही बचा r, तो r की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 88 इंटू 7 अपॉन 222 और 14 ऊपर है जो कि नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको अपन कैंसिल करते, देखो 22 की टेबल से ये 4 टाइम, 2 की टेबल से ये 2 टाइम, 2 7 जा 14 अपॉन 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, मींस 0 नहीं लिखना आपको, 1 लिखना है, मींस रेडियस कितनी आ गई, 1। देन डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर, 2 इंटू 1 यानी 2 सेंटीमीटर, तो डायमीटर आपके आ गई 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का 4 है, द डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। एक रोलर है अपने पास इस तरह से, रोलर जो आता है ग्राउंड को लेवल करने के लिए अपन एक रोलर का यूज करते हैं, वो रोलर है जिसकी डायमीटर 84 है। डायमीटर का मतलब ये हो गया, यहां से यहां तक ये टोटल 84 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 84 है तो रेडियस कितनी होगी, 84 बाय 2 मीन्स 42 सेंटीमीटर आ गई। एंड लेंथ 120 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है, अब मैंने अभी आपको कहा था कि जो लेंथ होती है अगर इसको यू खड़ा कर दे अपन,
ठीक है ना। तो जो लेंथ है वही उसकी हाइट है, यानी एच कितनी आ गई 120 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां पे लिखा हुआ इट टेक्स 500 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का मतलब अगर ये 500 चक्कर लगाए इस तरह से रोलर को अपन ये घुमाएंगे, तो ये रोलर जैसे ही चलेगा, जैसे मान लो ये ग्राउंड है तो यहां से रोलर यूं चलेगा, ठीक है ना, इसको रोल करने के लिए, तो ये 500 चक्कर लगाता है टू मूव वंस ओवर द लेवल ऑफ प्ले ग्राउंड, यानी इस प्ले ग्राउंड का लेवल करने के लिए इस रोलर को 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इस प्लॉट का एरिया कितना होगा, यानी ये रोलर अपन यहां पे घुमाएंगे तो 500 चक्कर में ये पूरा लेवल हो जाता है। अब अपन इसका एरिया निकालते हैं, मान लो तो अगर ये रोलर एक चक्कर में वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होता है, 2πRh के इक्वल होता है। क्यों होता है, बिकॉज ये लेवलिंग कहां पे हो रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो जमीन पे घूमेगा ना, यू घूमेगा रोलर, ठीक है। तो एक चक्कर में यहां से मान लो यहां तक आ गया, तो एक चक्कर में ये जो डिस्टेंस है, ये जो एरिया कवर होगा वो किसके बराबर होगा, CSA के बराबर होगा, ठीक है। तो वन रिवोल्यूशन में 2πRh, तो एरिया इज इक्वल टू 500 रिवोल्यूशन में एरिया कवर हो रहा है। यहां पे लिखा है कि 500 चक्कर लगाने पर पूरा एरिया कवर हो जाता है, यानी वन रिवोल्यूशन में 2πRh, तो 500 रिवोल्यूशन में एरिया कितना आ जाएगा, 500 इंटू 2πRh से। अब इसमें आपको वैल्यू रख देनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे 500 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, इंटू आर की वैल्यू 42, इंटू एच की वैल्यू 120, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यहां 7 से ये कट गया 6 टाइम। अब यहां पे सारा ये मल्टीप्लाई करना है अपन को, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 × 10 ये तो 1000 हो गया, ठीक है ना, और ये 500 हो गया, सॉरी ये 22 और ये 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको और अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 72 में 22 का कर दो 144 144 4851, ठीक है ना, तो ये आ गया 1584, और जीरो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 0, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके एरिया आ गया ये। अब बिकॉज यहाँ पे ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, तो जो अपन एरिया है वो मीटर स्क्वायर में लाते हैं। अगर ये आंसर भी राइट है और अगर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो मैंने पहले बताया आपको 10,000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही 10,000 से डिवाइड करेंगे अपन, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10,000, तो ये कट गए, तो 1584 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से अपन ये क्वेश्चन कर सकते हैं।